ये थे जाकरे अहले बैत जनाब सफदर अब्बास नौतक और अब मैं मुल्तमिस हूँ सैयद जाकरीन कारियुल कसाइद शहबाज पाकिस्तान जो किसी तारफ के मोहताज नहीं सैयद नजमल हसन शराजी ऑफ बलवाल वो मजल से अदा से खिताब फरमाएंगे। जो हजरात बाहिर हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ ले आए। खालिक ने बड़ी महंगी बनाई है ये जन्नत, खालिक ने बड़ी महंगी बनाई है ये जन्नत और हमने कहा खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ और जंजीर का मातम, हा खून पसीने की कमाई है ये जन्नत। जाकर अहले बैत सैयद जाकरीन कारियुल कसाइद सैयद नजमल हसन शराजी साहब आफ बलवाल और इनके फौरन बाद किबला अलामा अली नासर अल हुसैनी आफ तलहाड़ा वो मजलस से खिताब फरमाएंगे। और मैं तमाम मोमिनीन से मुल्तमिस हूँ कि सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहिब और सैयद सादक हुसैन शाह साहिब और जितने इस बस्ती के सदात व मोमिनीन इस जहान फानी से कूच कर गए हैं उनकी मगफरत के लिए बुलंद तर सलावात। दुआ बराए तनजील नूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लवली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाय फी हाजी सात व फी कुल सा वलियम व हाफिजम व कायदम व नासिरम व दलीलम व अतात उसके नहू अर्ज़कता वन व तुमत्ते अहू फीहा तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहू रब सुले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद इलाही सफ़े अज़ा अजीम बारगाहिच कबूल फरमा। मेरा अल्लाह इस बस्ती दे इस इलाके दे जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया तो चले गए हाजरीन मजलिस से मरहूमीन और खसूसन बानियान मजलिस से घर दे जितने मरहूमीन इन मेरा अल्लाह मरहूमीन दे दरजात मजीद बुलंद फरमा। जितने बुजुर्ग अजादार मजलिस अजाज तशरीफ़ फरमा हैं जितने बीमारों की शिफायाबी वास्ते मिन दुआ की जाती है मेरा अल्लाह इस जिक्र द सदका बीमारों शिफाए कुली अता फरमा। जितने भी औलादिन और खसूसन जड़ियाँ झोलियाँ सिकदियाँ पे मेरे अल्लाह इस अजीम सफ द सदका उन्होंने हयातियाँ ले मातमी फरजंद अता फरमा। जेड़े बेरिज़के उन्होंने अठवें इमाम दे खजाने चो ढेर सारा रिज़्क अता फरमा। अव्वल व आखर शिया सुन्नी भाई जितने तशरीफ फरमाए हाथ सारियां दे बुलंद दिन दुआ भी सारियां वास्ते अमीन ही सारे आख्या है मेरे अल्लाह। जितने हाथ मौला हुसैन दे जिक्र उठे इन लोगों नू बहुत जल्द जवारी करबला नसीब फरमा, जवारी शाम जवारी मशहद हुकुम नसीब फरमा। इमाम हुसैन दे मिंबर ते खड़ के करोड़ हा भी दुआ करिए तो हर अली उन वली उल्ला पढ़न वाले दी इको दुआ है नतीजे अली मेरे अल्लाह इस जिक्र दा सदका। मुश्किल दौर है साढ़े परदे हकीकी वारिस वली उलस्त्र हुज्जत दौरान इमामे जमन दा जल जहूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते इक सलवात बावाज़े बुलंद इमामे शशों फरमेंदे जेड़ा बंदा साड़ी जात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क च कदी कमी नहीं आ सकती। जरा कोशिश करो सारे बुलंद सलवात नारे तकबीर
خالق اکبر دا نام بلند ہے، ذرا سارے شامل ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہ دا امام علی ہے، ہاتھ اچا کرو، علم عباس نو سلام کرو، جرت نال بولو حیدری۔ اجازت ہے جی؟ سید آزاد امام حسین علیہ السلام دا ذکر او ذکر ہے جس ذکر ساہ لئیے تے ساہ عبادت ہے۔ ایک چھوٹی جی گل ذرا دل تے نقش کرو، وہ دے بعد پھر چار سطراں دے بعد ایک قصیدے دا حکم۔ امام حسین علیہ السلام دا ذکر او عبادت ہے، او فضیلت اس ذکر دی کہ بادشاہ دے ذکر وچ بہ کے جڑا ساہ لیا جائے او ساہ عبادت وچ لکھیا جائے۔ علی ان ولی اللہ پڑھن والے نہیں سوچنا تے کسے بھی نہیں سوچنا، کدی مسلے تے بہ کے سوچو، حضرت عباس تے علم تھلے کھڑ کے سوچو، سخی شبیر دی مجلس وچ بہ کے سوچو، ایڈی فضیلت دا مالک ذکر ہے۔ ذکر وچ اگر اسی ساہ لینے آ تے او عبادت وچ لکھیا جاندا ہے، اگر اس ذکر وچ ساڈی زبان ہلے تو پھر عبادت دا معیار کتنا بلند ہو جاسی سی۔ چونکہ بادشاہ دا ذکر ویکھو، ایتھے عالم ذاکر وائز ممبر والے واسطے نہیں بولنا، اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بولنا، چونکہ ذکر جو قبولیت ہے وسیلہ ہی اللہ کو منگن واسطے ساڈے کول بڑا وڈا ہے۔ سخی حسین علیہ السلام دی مجلس چار سطراں تو آغاز ہے، وہ دے بعد جتنا میرے وقت آکھیا گیا وہ ایک ادھا حکم ہے، وہ بھی تعمیل کرنی ہے، ایک ادھا قصیدہ میری مرضی دا سن سو، ذکر مصائب تے میں سلام کرسا۔ میسم تمار نو حاکم وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے، اس آکھیا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ اختر پیر اس آکھیا ڈر نہیں لگدا، اس آکھیا پیر علی ہوئے تے ڈر، اس آکھیا میں سولی تے چڑھا دے سا، علی دے نوکر آکھیا چڑھا دے، اس آکھیا تو تے واقعی نہیں ڈر رہا، اس آکھیا میرا مرشد علی ہے۔ ایک جملہ ہے، سیالکوٹ پسرور ڈسکے میرے سامنے عزادار اور خطہ ایسے، کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑا ایتھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے، عزاداری دے حوالے نال ایک مرکز ہے۔ ایک لفظ واسطے میں اپنے بزرگاں تو دعا لے رہے ہیں اور جوانا تو داد لے کے سطر قصیدے دی آکھن لگا، ایک واری پھر سن لو۔ میسم تمار نوں حاکم وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے، میسم فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے، او سکھیا ڈر نہیں لگدا، او سکھیا پیر علی ہوے تے ڈر نہیں لگدا، اوے او سکھیا سولی تے چڑھا دے سا، علی دے نوکر آکھے چڑھا دے، اوے او سکھیا زبان کٹ دے سا، میسم دن بس۔ سید مہربانی جی، مہربانی جناب بھائی، بہت شکریہ۔ او سکھیا سولی تے چڑھا دے سا، علی دے نوکر آکھے چڑھا دے، او سکھیا زبان کٹ دے سا، میسم دن بس۔ او سکھیا زبان کٹ دتی جائے نا تے بندہ بول نہیں سکدا، زبان ہووے تے بندہ گل کردا ہے، میں زبان کٹساں تو علی علی کرنا چھڑ دے سے، علی دا نوکر سر نو جھٹکا دے کے پیا دے، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دے مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بول۔ ہاتھ چاہو بولو حیدری، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جان سے مار دے مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی۔ ایک باری پچھلے بولے، تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے چ حسنین دے نانے دا ظہور ہویا، نبیاں دے سلطان نبی دی آمد ہوئی، اللہ دے محبوب دی آمد ہوئی، میٹھے مدنی دی آمد ہوئی، پھر انہاں دنہ وچ بادشاہ محمد مصطفیٰ دے نوکر دا چہرہ ان ہونا چاہی دے جوے گلاب دا پھول ہوندا سی، پھول بھی کھڑے ہی سونا لگ دے، تے چہرے تے مسکرات ہوئے فضائل ہوئے تے وہ بھی پھر چہرہ سونا لگ دے۔ ایک نعت رسول مقبول تو آغاز کر، جیڑے نعت دے رائٹر نے لکھن والے نو نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریفہ نے انہاں دی قلم نال لکھی ہے، سترہ خیرات جتنی سن مالکاں عطا کیتی اس خیرات دے تحت اسی جناب دے ذہن دے حوالے کر کے تھوڑی جی دعا وصول کر دے ہیں۔
मेरी ताकत नहीं, मैं पहले आख्या मेरी जरूरत नहीं, मगर एक एक लफ्ज़ की खैरात, एक पढ़न की खैरात, वह बादशाह करबला लिया दी अता है, उस खैरात के तहत अगर जनाब इजाजत दे बन एक मेरे नाल वादा करो तो मैं नात पढ़ना। भाई नात पढ़ा तो कोई बंदा इंज ना करे, सिर नहीं हिलाना या जुबान हिलानी है तो या हाथ मातम आना चाह रहे। अब कुछ बंदे फिर यही करते ना लंगर करके बैठे हो मैं तो बस पढ़ी जाओ तो इंज नहीं, बड़े फ्रैश होके तो बड़े एक्टिव होके मेहरबानी जनाब मैंने हर चेहरा इंज इंज लगे भाई चेहरा खिले हसन इन नाने के दिक्कत अगर चेहरा नहीं खिलना अगर नबिया के सुल्तान नबी की नाथ सुन के अगर खुश नहीं होना तो फिर पता नहीं की सुन के खुश आखो तो पढ़िए नाथ सही लिखण वाले पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब पढ़न वाले थोड़े सामने हुसैन दे मातमी ओ आखरी अज़ादार तक जरा सर चाओ तो एक सत्र जनाब जद इन्हें हवाले करिए सही। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, बड़े आसान और सादा लफ्ज़ ने साईं वो लिख रहे हैं एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। एक बार मेरे नाल बोले जी गुलाम है गुलाम है उन पे, सारे बोलो जी गुलाम है गुलाम है ज़माना है, गुलामी है रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी हाथ चाओ बोलो है दरी। एक मैं उन पे कुर्बान ज़माना है, वो लिख रहे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान, फिर आखो एक मैं ही नहीं अख्तर पीर एक सत्र सुने आए लुत्फा वे तो फिर बुजुर्गो दुआ कर दे लिख रहे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। चलो ए दफरदसानी है जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अल्लाह करे मैं तुम सत्र समझा लू कलम चाहिए ते पहली सत्रों ने केड़ी लिखी हो लिख रहे आओ दर जहरा पे फैलाए हुए दाम मेहरबानी मुर्शिद मेहरबानी मुर्शिद सर बहुत शुक्रिया हाथ नहीं उठे मेरे हक च दुआ हो गई। उन्हें सत्र लिखी उन्हें लिखिया आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए मुरीदैन सवाल किया उन्हें कह जी दसो कोई दलील है कोई भी दावा होवे तो उसकी दलील जरूरी होती है। पहलियां दो सत्रां एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। उन्हें सत्र लिखी आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन उन्हें आख्या वजह दसो तो उन्हें जड़ी दलील दिती है आओ दरे जहरा पर नसले करीमों की लजपाल घराना है। बोलो है दरी बिस्मिल्लाह कह रहा सर बिस्मिल्लाह कह रहा सर है दरी है नसले करीमों के पाले घराना है नस्ल करे मगे। एक सत्र होर पढ़ दे आए और उस सत्र नहीं साड़ी बख्शिश का वसीला नहीं जितने शिया सुन्नी भाई बादशाह मुहम्मद मुस्तफा दे उम्मती बैठे हो वो इत्थे नहीं मुल्क च नहीं बल्कि दुनिया चो सत्र पढ़िया गई हर शिया सुन्नी भाई दे दिल ते नक्श ने सत्र उन्हें जिवें वंड कीती है करोड़ सजदे बतूल दी धी दे बूहे ते करिए वो सजदे घट ने ते वो सत्र वज़नी नो लिख रहे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। है नस्ल करीमों की लाजपाल घराना है उन्हें वंड के में कीती ओ लिख रहे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है सहारा का वो बाबा है
हसनैन का नाना हैदरी सहरा का वो बाबा है ओ हसनैन का नाना है। हाथ बुलंद करके अलम नु सलाम करो, जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी। तबीयत लगी है जनाब, तबीयत अगर लग गई हो तो कसीदा पढ़िए जी। चंगे सफीन पढ़ देने सही, फिर किसी मजल से चलो वंड के तुहाडे हुक्म दी तामील कर दे। नात पढ़िए ना तो हुण कसीदा पढ़न लगे, फिर एक नात ही और सुन लो, फिर मैं मसाइब पढ़ देना सही। चूंकि हुक्म भी ढेर सारे ने, अगर आखो तो नात रसूल मकबूल होर तिलावत कर दें तो मुसाइब, अगर आखो तो कसीदा पढ़ दें तो फिर मुसाइब पढ़ देने। अच्छा कसीदा पढ़ देने से सफीन दा मैदान। और अली अलैहि सलाम फरमाया मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी। सरकार हसन आख्या मैं, अली फरमाते नहीं। सरकार हुसैन आख्या मैं, बादशाह फरमाए नहीं। तो बाबा फिर कौन लड़ सी? अली मुस्कुरा के दिन तुसी सुनिया नहीं, मैं अपने पुत्रा की गल की है। उसी बादशाह मुहम्मद के पुत्र अली गल कर रहे, कदम से दो हाथ आ गया, वेख्या तो हजरत अब्बास। अली फरमाते हैं गाजी को जा खड़े बाबे दे पासे, वेख के उमर बनीन दा लाला दे बाबा जी तुसी आखो ते मैं लड़ा। अली मुस्कुरा के आदे आख मैं देना, फिर लड़ी इंज भाई वेखन वाले ने पता ना लगे अब्बास लड़ रहे या अली लड़ रहे। बाबा तुहाडा हुक्म है, मैं हमला इंज ही कर सा भाई। मैदान चो अब्बास नहीं अली, अली दी सदा। मालिक अश्तर जी मौला अब्बास नु खेमे च लेके जाओ, जिंदगी दा पहला हमला है, जरा जंग दा लिबास पवाओ। तारीख लिख दिए भाई जदों खेमे च गए आए तो हजरत अब्बास आए, पिछे रह गए। जदों खेमे च गए आए तो हजरत, जद जंग दा लिबास पाके गाजी खेमे तो बाहर आए, हुण अब्बास अब्बास नहीं सैयदा, अब्बास अली बन गए। बाबे दे कदमां ते हथ रखे, उमल बनीन दलाल घोड़े की जीन के सवार हो गए। हसन हुसैन का सलाम करके मुर्शद अब्बास सफीन ने मैदान इस पहला हमला इंज किया भाई धड़ बखरे ते सार, सार सिर्फ बखरे नहीं हो, सार हवा च उड़ रहे। इनू ठीक लग सो एक जगह ते सेट कर दे, बार बार छिड़सो तो फिर भी सला, सार हवा च उड़ रहे, सर हवाज ते जेड़े बंदे गाजी अब्बास के हमले तो थोड़े जे दूर खलोते हैं, उन्हें जिसले दूरों इन सिर उड़ते वेख के उन्हें दूजे ने आख्या भज्जो अली आ गए। उन्हें आख्या नसो अली हमला कर दिता, अली हमला कर दिता। अली 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 दिया सदावां से कुछ बंदे ना सरकारे अब्बास के सामने आ गए, चेहरे ते नकाब भाई हमला तुसी कीता है? फरमाया मैं कीता है। तारुफ करवा सकते हो? बादशाह फरमाया क्यों? उन्हें आखिया जे सच्ची पूछ दो तो सान समझ नहीं आ रही भाई लड़ना कौन है। वो आदन हमला इंज हो गया भाई, असि इंज इंज ते भजिए तो बंदे आदन अली हमला कर दे, उदो मुड़ के इंज भजिए तो बंदे आदन नहीं नहीं अली नहीं, अली का कोई पुत्र है। तारुफ ते करवाओ, लफ्से तारुफ आया, उमल बनीन दलाल चेहरे तो नकाब हटा के घोड़े दी जीन च बैठ के जड़ा तारुफ करवाया। पढ़िए कसीदा सही। हैदर की जुर्रत का अकास हूं मैं, हैदर की जुर्रत का अकास हूं मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूं मैं। हाय हाय हाय, हाथ सलामत रहे, चले हाथ किसी का मोहताज ना होए। बड़ी मेहरबानी जनाब, है दर की जुर्रत का कास हूं मैं, है दर की जुर्रत का कास मैं, जान लो मुझको के अब्बास 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 मैं,
सुभान अल्लाह सर, सारे बोले आए मिलके जुर्रत नाल हर हलाली बोले हैदरी अगर अपनी जुर्रत के जलवे दिखाला मचा तो नेजे पे लश्कर। सरकारे हजरत अब्बास से तो हमला कीता हो सके जी तुहाडी जिंदगी दा पहला हमला है। बादशाह फरमाया हाँ हो सके हमला तुसीं इंज कीता मैं जे 100 जंग भी लड़ी होवे इंज लड़ नहीं सकदा। सके दे पिछे कोई राज है कोई वजह है किवें कीता जे हमला तगा दिया देना ओडा सावा घर अपनी जुर्रत के जलवे दिखा लो मचा क्यों पलश कर उठा लूं मेरी सदा कुरान है दादा मेरा इमरान है। चल हाथ किसे दा मोहताज ना होवे सारे हैदरी बड़ी मेहरबानी सही बहुत शुक्रिया। अच्छा एक लफ्ज़ है अलमास, अलमास का मतलब होंगे कीमती पत्थर कीमती नायाब नगीना ठीक है सही। इख्तियारात पढ़ने लगा हजरत अब्बास ने एक बंद अच्छा अली भावे एक दिन दोवे ते तामी अली भावे कई साल दो होवे ते तामी एक बंदे हजरत अब्बास नु आके सके पहला दस्ताई पिछे लखां दी फौज है तुहाडे इख्तियारात कितने ते उम्मल बनी दलाल दे सीने ते तलवार रख के प्यादे फना आया है बका भी मेरे हाथ में है। लो जी एक बारी फर्दे सानी जरा ज़हन च रखो जान लो मुझको के मेहरबानी जी जान लो मुझको के अब्बास हूं मैं। हो सके जी तुहाडे कोल फिर बाबे अली दी तलवार है तुसी हमला। अब्बास फरमाया अगर मेरे कोल तलवार ना भी होवे तो मैं लड़ सकदा। हो सके अब किवें लड़ सकदे हो हथियार होवे तो जंग आउंदी है तलवार होवे तो जंग आउंदी है नेजा होवे तो बगैर हथियार दे किवें लड़ सो ते गादिया दे नाल डसावा फना आया है बका भी मेरे हाथ में है तुम्हारी कजा भी मेरे हाथ में। अगर जगह पसंद आ जाए तो किबला तशरीफ रखो तो फिर मैं पढ़ा सा आ जाओ आ जाओ इत्थे भाई ले ऐ दरी। एक लफज है अलमास, अलमास का मतलब है कीमती मोती कीमती नगीना। हो सके किवें लड़ सकते हो ते गादी पे दिन फना आयो है बका भी मेरे हाथ में है तुम्हारे कजा भी मेरे हाथ में है तलवार से अभी वार दूं देखूं तुम्हें तो मैं मार दूं सहारा ने मांगा जो अलमास हो मुझको के अब्बास में। एक सेकंड सर 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 एक भाई एक सेकंड यार मेरी भी तो सुनो मेरी सुनो कसीदा जरा तुम आख रहे हो बीबी आलिया का खुतबा वो इन्हों नहीं आता कल तो मैं ना क्योंकि छोड़ मुड़ने दो नवे ने तो इन्हों नहीं आता एक कसीदा होर पढ़ देना वह बाद फिर किसी मजलस चाहो तो मैं थोड़े हुक्म की तमील कर दसा मैं पढ़ देना मेहरबानी जी। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं लड़ाई नाल गल वधदी है घटदी लड़ाई नाल मसला खराब होंगे ठीक आखो तो बगैर लड़ाई दे मिंबर हुसैन ते खड़ के 2 सत्र पढ़िए जी ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है
लो जी रस्ता दे जी रस्ता दे किबला जनाबे अलामा अली नासर तलहाड़ा साहब एक सलवात किबला दी आमद ते बाबा दे बुलंद आओ सही आओ सही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पाटा इंतजार पे करदा है आओ जी ना लड़ना है अच्छा दो गल्ला ने ना लड़ना है ते ना उच्चा बोलो ना लड़ना है ते ना सवाल करो करना क्या है मैं दलील प्या देना ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है जे ताई जिंदगी है हैदर हैदर करना है मेहरबानी जी लो राजी रवे ऐसे बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी सही ना लड़ना है ना हुबदारा डरना है जे ताई जिंदगी है हैदर हैदर करना है हाथ जाओ हैदरी सूली उते भी दम बहरा दा भरना है पाए जिंदगी हैदर हैदर करना है सूली उते भी दम बहरा दा भरना है पाए जिंदगी हैदर हैदर करना है सूली उते भी दम बहरा दा भरना भरना है जे ताई जिंदगी है उच्चा बोलो जे ताई जिंदगी है सत्तर मेरी आखरी है जरा हैदर हैदर राल के कर साए ते माहौल और खूबसूरत हो जासी दलील का देना रोक लवे जग सारा ने करा रोक लाने सामुक सके लेने लेकर ले दामुक लाने ऐसे बात विच ही जीना मरना है जे ताई जिंदगी दपिया चालम निशान मदीने विच ते बशीर की तई ऐलान बशीरा दे करो बांध बाजार मदीने दे आई बैठी है फातिया शाह बस हुक्म आई भिरावां दा पिछले माइक बंद कर दियो जी पांच या सात मिनट के बाद मैं किबला दे हवाले मेंबर कर दा 53 चुतराए महमल मामल उत्थे आ गए जिथे मदीने टुरदे वेले अली अकबर आजान दित्ती आई सैयद आदा मैं 53 चुतराए मामल आखिन ते कोई हाय नहीं कर सकया तुसा हाय कीती एक बजुर्गा हाय कीती कदी सोचिए भाई 53 चो त्रै मां मलाए तो फिर 50 मां मलके दे गए बजुर्ग आदया के बंदे इतना मारे अली दिया धीया ते पुत्रा नू और फिर दुआ करदा मेरे अल्लाह इंशाल्लाह कदी किसे दी धी नू दुख ना आवे और फिर धी दा मुकद्दर है सही धी अपने पेके शहर तो बड़ा दूर ही रही ते धीया भावे 20 साल बाद आवे कायनात कोई धी वेखी नहीं जी पेका शहर भूल जावे
इस पिंड की कोई धी बहन भावे बैरूने मुल्क चो भावे दह भी पंद्रह साल जितने साल बाद अख्तर शाह जी आवे ना अजे पेके पेके शहर तो दूर होवे ते नाल आले नूं दसण लग पैंदी है ओ गली मेरी पेकी है ओ घर मेरा पेका है बंदिया दिन शिया रोंदे ने कुरान लिया मैं सिर ते रख देना पौने दो साल दे बाद महमल दा पर्दा हटा के पिया दिए सजाद ए केड़ा शहर है मरहबा मरहबा और इमामे सजाद दी रात वध गई जमीन ते रात बैठी बीबी आदि रोंदा क्यों है फरमाया अम्मा कदी थीं भी पेके शहर पुछन तड़प के जख्मी हाथ मथे तरह के पिया दिए सजाद ए मदीने फरमाया अम्मा मदीना है तुहाडा पेका शहर है बीबी आदि रो नहीं मैं कदी गाजी दे जींदिया मदीना बाहरों वेख्या को मनादी आला है तो भेज मेरी अम्मा दी तलाक करे बशीर बशीर पुत्र जदलम दा मुहारी इसनु सैयद साजदीन फरमाया बशीर जी मौला वन मदीने दियां गलियां च ऐलान कर एक जुमला सुनो ते बैंड करा मौला के ऐलान करा सैयदा दे हर गली चाख लोगों मदीने दे सरदार वल आए अजे लफ्ज सरदार सैयद सज्जाद दे मुंह चो निकलिया नहीं बीबी महमल दा पर्दा हटा के दी बशीर ए ऐलान ना करी सिर झुका के दे बीबी की आखा आ दिन हर गली चाखी लोगों ओ आ गई है जदा गाजी अब्बास मारा गया से आलम चायस ऐलान कीतस कै सुनया ऐलान मुहम्मद हनफिया उथे आए जिथे शबीर दी धी मिट्टिया ते बैठी है सुगरा सुगराज सर चायस जी चाचा फरमाया रोना बंद कर क्यों आदन तेरा भेरा अकबर वाल आए बड़ी हाय दी कसम साई तड़प गई शबीर दीदी सज्जे खब्बे वेख के पिया दी चाचा किथे मेरा अकबर फरमाया मदीने दबाए परदेदारन तैयार करो असी इस्तकबाल करिए पीर पीर रियाज शाह जी रत्वाल आले पढ़ते होंगे कि जो मुहम्मद अनफिया क्या ना परदेदारन नूं तैयारी करो वह आदि के जड़ी अस्सी साल की ज़ईफ आई वो बगैर किसी सहारे दे टुरिए जड़ी अकबर की भेड़ आई वो किसी का आसरा लेके मरहबा हाय सैयद दादा इतनी करे आए भाई नाल अला गवाह बन जाए तुर पै सही मुहम्मद अनफिया अनफिया की कंड पिछे जनाबे सुगरा वहन कर लगा सही जनाबे सुगरा की कंड पिछे बनू हशम दे मस्तूरात आबादी मुक गई गलियां मुक गई मैदाने मदीना आ गया जाकरी च कुछ गल्लां जिन्हां दा तल्लक इशारे नाल इंज करके मुहम्मद हनफिया ने मत्थे ते हाथ रखिया अली दे पुत्र के वेख्या उसी एक खैमा काला आलम ते त्रै महमल इंज हाथ वधा के पैदन सुगरा रुक जाओ ये साडा काफला नहीं आदि क्यों चाचा अली दा पुत्र आदे साढ़े तो तिरवंजा महमल आए गल्लां करदे गए तो किसी का लुटिया काफला है इतना मुख्तसर जिया काफला इतरा महमले ने काला लमे खेमे साडा काफला नहीं गल्ला कर दे गए यकदम कदम रुक के वहन करिए जिससे आलिया दी मोर क्यों रुक के कदम सुगरा सवाल किया चाचा क्यों रुक गया हो इशारा करके दे ना सामने रस्ते ते ना कोई चिट्टी दाड़ी आला बजुर्ग बैठे अल्लाह जेडे समझ गया तुहाडी हाय निकल गई एक लादा हौसला करो उस रस्ते तो उठाई हाथ बन ले हुसैन चाचा मैं पौने दो साल बड़े औखे गुजारे ने मैं केड़े वेले वीर अकबर नूं मिलना मैं असर नूं चावां मैं वीर खेडावां चाचा मैं मर वैसा इंतजार नहीं आंदा सर ते हथ रख दे ना रवा साबर पीऊ दी साबर दही है एक ला दा हौसला कर इस बजुर्ग नूं रस्ते तो उठाइए लोग अज भी इतराज करते ना जी शिया रोंदे शिया परदेदारा धीआं भैणा नूं मिट्टियां ते बहा के अजे ही ना रोवीए गल मेरी सुन लो वंड कर लो जे रोण वाली है तो रो पाने जे हसन वाली है तो हस पाने पौने दो साल दे बाद सक्का चाचा सके भतरीजे दे सर ते खलो के पिया दे अस्सलाम अलैका या अय्युहा ज़ईफ चिट्टी दाड़ी आला बुढ़ड़ा मेरा सलाम सजाद मथे ते यात्रा क्या दिन अलैका सलाम यबना अमीर अल मुहमिनीन अली दा बछड़ा मेरे ही सलाम आ दिन पहचान लिया ही आ दिन पहचान लिया दिन फिर रस्ता छोड़ो कदी नहीं खलोती जिसनु तू खलवाए सैयदा दे नरुआ खलोतियां तो ओई कदी लैन जेड़ियां मेरे नाल आईं आ दिन उठना पौसी सजाद आ दिन नहीं आ दिन मेरे नाल परदादार सैयदा दे ना पर्दियां तू मैं वाकिफा जिवे मैं वाकिफ हाँ इन जहान ते कोई वाकिफ नहीं मैं बाजार डिठे मैं दरबार डिठे मैं मावां दे सर बदमाशां च नंगे डिठे
मैं बड़ा औखा तुहाडे शहर दे बाहरों आके बह गया, ना मैं उठन जोगा ना मैं टुरन जोगा, हो जासी मेरे हिस्से दी मुकान, हो सकता है मैसेज मिले ते तेरा सलाम करा दे, उठना पौसी सजा दा दिन क्यों अनफिया दिन मेरे नाल परदादार सैयदा दे काम एक होर कर दे आओ परदादार मैं गैरत मानदा मैं अखा के हाथ रख लेना मुंह जमीन आले पासे कर लेना परदेदार नू आग परदा बना के टुर जावे और हरफी अगर उच्चे ले जे बोल के आदर कई दी दसन ते दिल दिलाई मगर बादशाह हुसैन दी धी हुसैन दा नाम आया है बाकिर निके निके हाथ बन के आदर बाबा तू भी दसना मैं हुसैन दा मरहबा 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 चला किस गम चला रहो जरा जवान हाय कर सैयदा दा इकला दा हौसला कर मैं वेखा मैं केडा गरीब हो गया सक्का चाचा नहीं पिया सुनदा उठना पौसी सजा दा दिन मैं बड़ा औखा इत्थे बैठा मैं बड़ी मुद्दत बाद बैठा आज पहली बारी मर्जी नाल बैठा पुत्र अली दा अग्गा जड़ा बवा कोई तमाचा मारिया अच्छा गल है थोड़ी मुश्किल लेकिन समझ आवे ते हाय करे आए हनफिया दिन उठना पौसी सजा दा दिन क्यों हनफिया दिन मेरे नालों आई आई हैं जिन्ना दा नबिया तो भी परद सैयदा दे दरुआ मेरे नालों आई आई जिंदा प्यो तो भी परद और कायनात कुछ ही वेखी जड़ी सके प्यो तो परद कदी ना रोवो उठना पौसी सजा दा दिन ए जेड़ा मेरी अखी दा खून पे वेखदे हो ए अखी दा नहीं बोलो मेरे जिगर दा खून है आदन हां कैदी हैरान तो मैं ही खड़ा बड़े बड़े कैदी डिठे मरीज डिठे पहला मरीज है जड़ा अखियां चो रात पिया रोना है कोई तबीब बुलावा सैयदा दे हकीमा को इलाज कोई नहीं लुकमान दा मैं आप सरदार ओ कैदी दस सही तेरी मरज केड़ी है सजादा दिन पुत्र अली दा मेरी पहली मर्ज है 80,000 बदमाशा च मेरी मां दा बुरका मेरी दूजी मरदे मेरे प्यू का कातल मेरी बहन तमाचे मरे दरिया मैं छुड़वा नहीं सकिया त्रीजी केरी मरद सजा दादे दावी दीदी कराई ओ साडे खेमिया नू महा लगी आई मैं मुड़ के वेख्या ज़ैनब दे वाल खुले आया है ते हाथ बन के आदी आई पिया दाज लुटी ना ओ तेरी बहन उजड़ी दा कोई वास लग गई ताला सदका 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 आखरी बैन होगी मेरे हिस्से दी मुकान राधी रवि आज जिस बैन दा हुक्म कीता हुआ बैन करन लगा बादशाह जी कहती जे मैं उठ सकदा हुंदा ना ते मैं उठ के तुहाडा इस्तकबाल करा तुहाडा अदल ते दुनिया ते मशहूर है फरमाया हां मशहूर है फिर मैं नहीं इंसाफ दियो के इंसाफ चाहना है बाकिर दा पीवा दे तू सा मेरे हाथ जख्मी वेखे आदन हाल सैयदा दे तू सा मेरा गल भी वेखे ए भी वेखे सैयदा दे पुत्र अली दा अजे थोड़ी तू सा मेरी कान नहीं वेखी एक बारी कान वेखो दसो मैं उठन जो गरी हाँ या कोई ना हुण हनफिया हाँ या ना कर दे सजाद इशारा करके दिन उठ बाकर मेरी कान तू चोला चा ते अली दे बचड़े ने वेखा सियाल कोट आलिया मैनू मिंबर दी कसम है बाकर निके निके हथा नाल पीऊ दी कान तू चोला चाया हनफिया जेडे बहादुर आए अखा के हाथ रख के आदर कहदी बस कर मैनू इंज लगदा है जिवें तेरे छुड़ा वेड़ाला सैयदा दे पुत्र अली दा मैनू जिस भी मारिया है बेवारे समझ के मारिया है इथाई गल पहुंची है ते दा मनु छिकी लगी है मुड़ के वेखिया ते सुगरा दे हाथ जुड़े होया है आदिए चाचा ना उठा मैं फिरा दा सदका लांग वे लिया क्यों सैयदा दी बीबी आदिए ज़ईफ गल्ला कर दे मैनू इंज लग दे जिवे मेरा सजा आदन चाचे दी कान पिछू बाहरा मैं तेरा सजाद आ गया आदि मदीने टुरिया है तू 24 साल दा जवान है आज तेरी कमर झुक गई है सैयदा दे नरुआ ओ मेरी अकबर कमर तरोड़ गया मेरा थी गया चमन तबाह ओ दरबार दी पेशी कि
ਕਿਬਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਲਤ ਜਾਫਰੀਆ ਖਤੀਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ।